देखिए बिहार के पूर्वी चंपारण जिला में जहरीली शराब पीने से 28 लोगों की मौत हो चुकी है और कई गंभीर हैं जिन्हें रेफर किया गया है। और वास्तव में लगातार यह इस तरह की घटना बिहार के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके पहले सारण जिला में बड़ी संख्या में लोग जहरीली शराब पीकर काल कल्पित हो गए और इस तरह की बड़ी घटना फिर हो गई है। सरकार की संवेदनहीनता स्पष्ट तौर पर इससे झलकती है। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि सरकार कहीं कहीं जहरीली शराब के कारण समाज के कमजोर वर्ग के लोग काल कल्पित हुए हैं यह मानने के लिए तैयार नहीं है। पूर्व में भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि सर्वदलीय बैठक के द्वारा इन सारी चीजों पर फिर से विमर्श किया जाएगा, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर जहरीली शराब पीने से कितनी मौतें होगी तब सरकार चेतेगी और सर्वदलीय बैठक बुलाएगी। और सरकार को अविलंब जो जहरीली शराब की आपूर्ति करता है और जिस पर लगाम लगाना तंत्र की जिम्मेदारी है, ऐसे तंत्र से जुड़े तमाम अधिकारियों और कर्मियों पर सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। कहीं न कहीं जहरीली शराब आपूर्तिकर्ता और सरकार का जो तंत्र है उसकी मिलीभगत से ही इस तरह की घटनाएं आज गंभीर हो रही है। और जो पूरी सरकार है, महागठबंधन की सरकार, ये संवेदनहीन है। मुझे समझ में भी नहीं आ रहा आखिर मुख्यमंत्री जी पर इनके घटक दलों का क्या दबाव है जिससे शराब आपूर्तिकर्ता पर कार्रवाई करने से परहेज कर रहे हैं और बेहतर कार्रवाई नहीं हो रही है। सरकार अविलंब इन सारी चीजों को रोकने का काम करे। लगातार बिहार के गरीबों की मौत हो रही है, सरकार अविलंब चेते, अन्यथा भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सड़क से सदन तक इस मामले को उठाने का काम करेगी।